राजेश कुशवाहा प्रदेश सचिव शहर भागलपुर जिला संगठन प्रभारी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को जदयू के प्रदेश सचिव सह भागलपुर जिला संगठन प्रभारी राजेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड क्षेत्र के नवंगई चंदनिया कुसमार एवं संग्रामपुर सहित अन्य गाँव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है। अन्य प्रांतों में भी बिहार के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है, कर रहे हैं, कर अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के असामाजिक निधन से यहां विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या भ्रम में ना फंसे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाती है उसके लिए तन मन धन से कार्य कर तारापुर विधानसभा में एक बार फिर पार्टी का परचम लहराने का कार्य करे। अनुशासित रहकर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाने का काम करे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के स्थापना काल से ही पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आप भी इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी हो सकते हैं, इनके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो वे पूरी तरह तैयार हैं। दौरे में जिला प्रवक्ता मनोज कुमार, रघु प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह, तारापुर विधानसभा प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, खड़गपुर नगर युवा जदयू अध्यक्ष शमशाद परवेज, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष खड़गपुर इमरान खान, सदाशिव ओझा, राकेश शाह सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं राजेश कुशवाहा प्रदेश सचिव सह भागलपुर जिला संगठन प्रभारी, और हम लोग अपने संगठन में घूमते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं अपने संगठन में जो साथी हैं उनका दुख दर्द जानने के लिए, उनको देखने के लिए उनका क्या हालचाल है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा हम लोग अपने संगठन में घूमते रहते हैं। सर, आपस में घर में एक बर्तन रहता है तो थोड़ा जो है आवाज़ करता ही है, और पूरा डिटेल तो हमको पता नहीं है। अभी हम मुकेश जी से मिले हैं और मुकेश जी से पूछे हैं, अगर इनके साथ जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। आपको मुकेश जी के बारे में जैसा हमको पता है कि मैडम जब थी तो उनको बेटा कैसा मानती थी, और माननीय स्वर्गीय विधायक मेवालाल चौधरी के ये पीए भी रह चुके हैं और उनके घर से काफ़ी इनकी करीबी रिश्ता है, और किसी को जगह नहीं मिलेगा उनको दुख होना स्वाभाविक है। अगर आपको अपने घर में अधिकार नहीं मिले आपको भी सर दुख होगा, तो इसीलिए उनको दुख स्वाभाविक है। उस दुख पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। सर, आपका आरोप क्या है, ये मुद्दा क्यों आया सामने? वो सामने आया कि हमारे संगठन के लोगों का वहाँ लिस्ट में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का 5 मिनट कार्यकर्ताओं के साथ मिलन का प्रोग्राम था तो उसमें संगठन के लोगों का नाम होना चाहिए। मैंने यही आवाज़ उठाया वहाँ कि संगठन के लोगों का नाम क्यों नहीं है, और ऐसे लोगों का वहाँ नाम दिया गया हमारे संगठन के पदाधिकारी के द्वारा वो नहीं बनाया गया था, कुछ लोग हैं जिनके द्वारा बनाया गया था लिस्ट, और वो अपने चहेते लोगों का लिस्ट में नाम दिए थे ताकि वो जिंदाबाद करें। और हमारे संगठन का जैसे 40-42 पंचायत अध्यक्ष का नाम होना चाहिए था, प्रखंड कार्यकारिणी के प्रखंड अध्यक्ष, बाकी मूल के, युवा के, अति पिछड़ा के, इन लोगों का नाम नहीं था। जिला के पदाधिकारी जो थे कार्यकारिणी के सदस्य उनका नाम नहीं था। हमारे मेन विंग के जो मुंगेर जिला के प्रवक्ता हैं उनका नाम नहीं था, वीरेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था, और हमारे भाजपा के जन को इग्नोर किया गया। हम इसलिए आवाज़ वहाँ उठाए कि हम जब माननीय मुख्यमंत्री आए थे तो संगठन के लोगों से मिलने आए थे, जदयू के लोगों से मिलने आए थे, ना कि ऐसे लोगों से कि जिनको जिनका नाता ही नहीं है हमारे पार्टी से। हाँ, वो वोटर हैं लेकिन हमारे संगठन के लोग वो नहीं। हाँ, विपक्ष के भी लोग थे वहाँ लिस्ट में जो था, वो दूसरे पार्टी के लोग भी थे, यहाँ तक कि वहाँ एक्यूज थे, केस जिन पर है, गंभीर आरोप है, वो लोग भी अंदर में थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। युवा जदयू विधानसभा प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, ऑनलाइन भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां अपराध की योजना बना रहे दो शातिर अपराधियों को
सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जिला परिषद के समीप कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई और सदर SDPO के नेतृत्व में सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद व बलवाहट OP अध्यक्ष के द्वारा की गई छापेमारी में 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 पिस्तल व 4 कारतूस भी बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार सूरज यादव का सरहसा जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज है। वह हत्या के भी आरोपी सूरज यादव रह चुके हैं। वहीं दूसरा गिरफ्तार अपराधी सुनील कुमार यादव का भी जिले में महिषी थाना में मामला दर्ज है। दोनों अपराधी किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी उपलब्धि है, कहां कल दोपहर के आसपास सूचना मिली कि जिला परिषद आवासीय परिसर जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स का जमावाड़ा है और उनके पास हथियार भी है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अविलंब SDPO सदर के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष और बलवाहट OP पदाधिकारी भी थे। और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ से क्रिमिनल्स ने भागना शुरू किया और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में दोनों अपराधियों को दबोचा गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें से एक सूरज कुमार यादव है, जो कि गलफरिया बलवाहाट का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 5 आपराधिक केसेस अभी तक हम लोगों ने खंगाले हैं, जिसमें सहरसा सदर और महिषी में जो कोई हत्याकांड हुआ था उसमें भी फरारी चल रहा था और साथ में उसके एक साथी सुबीन कुमार यादव, वो भी मर्डर केस का एक वांछित अपराधी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद हुई है और इसके अभी गैंग के 1-2 मेंबर्स बचे हुए हैं। बाकी करीब 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और मुझे लगता है कि इसके गैंग के टूटने से जो आपराधिक जो कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं उस पर एक लगाम लगेगी। A9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट। बगहा व मंझौलिया पुलिस के संयुक्त छापेमारी में 1420 के अभियुक्त गिरफ्तार। पटखौली थाना SI मनोज यादव ने बताया कि पटखौली थाना में अवैध नेटवर्किंग बैंकिंग व्यवसाय के जरिए लोगों का रुपए ठगने का प्राथमिकी बगहा पटखौली थाने में दर्ज है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बगहा पटखौली थाना कांड संख्या 470/20 दिनांक 15 नवंबर 2020, धारा 406, 420, 467, 468, 471, 34 भादवी के नामजद अभियुक्त कन्हैया कुमार पिता नगीना गुप्ता साकेम लाल चरैया थाना मंझौलिया पश्चिमी चंपारण के बगहा पटखौली व मंझौलिया पुलिस के संयुक्त छापेमारी में लाल चरैया से गिरफ्तार कर बगहा पटखौली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। A9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट।